नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ दीपेनी शर्मा। तेल कंपनियों ने 13 जनवरी शनिवार को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। देश के कई राज्यों में बदलाव देखा गया है। त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में इजाफा हुआ है। बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गिरावट हुई है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड 1.14% बढ़ोतरी के साथ जो है 78.29 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। वही 0.92% वृद्धि के साथ ही WTI क्रूड जो है 72.68 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। आज भी मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ईंधन के भाव में वृद्धि देखी गई है। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई शहरों में उछाल आया था। भोपाल में पेट्रोल पर 36 पैसे और डीजल पर 32 पैसे की वृद्धि हुई है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 108.65 रुपये और डीजल का भाव जो है 93.90 रुपये है। होशंगाबाद में जो है पेट्रोल पर 40 पैसे और डीजल पर 36 पैसे की वृद्धि हुई है। खंडवा में पेट्रोल पर 52 पैसे और 48 पैसे का इजाफा हुआ है। खरगोन में पेट्रोल पर 72 पैसे और डीजल पर 66 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, झाबुआ, नरसिंहपुर, पन्ना, रतलाम, सतना, शिवपुर, शिवपुरी, सीधी और उज्जैन के भाव में भी उछाल आया है। वहीं उज्जैन में पेट्रोल की कीमत जो है 109.14 रुपये है। डीजल का भाव जो है 94.37 रुपये है। ग्वालियर में पेट्रोल की कीमत 108.91 रुपये और डीजल की कीमत जो है 94.14 रुपये है। अनूपपुर, खंडवा और श्योपुर में पेट्रोल की कीमत जो है 111 रुपये के पार जा चुकी है। वहीं विदिशा, टीकमगढ़, सिंगरौली, शाजापुर, सिवनी, सागर, रीवा, मंदसौर, कटनी, जबलपुर, इंदौर, डिंडोरी, धार, देवास, बैतूल और अशोकनगर में ईंधन जो है सस्ता हुआ है। बुरहानपुर और रीवा में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये से अधिक है। इंदौर में पेट्रोल की कीमत जो है 108.66 रुपये प्रति लीटर है। जबलपुर में पेट्रोल 108.56 रुपये और डीजल जो है 93.84 रुपये प्रति लीटर है। यह था अब तक अपडेट। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।